हे गाइस, एक बार फिर स्वागत है ट्रिपल आर रणवीर सिविल इंजीनियर यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, दबंग सीरीज के मैं 6 पार्ट ऑलरेडी डाल चुका हूं। आज लेके आया हूं आपके लिए स्पेशल वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट नंबर 7, बेसिक नॉलेज ऑफ ए सिविल इंजीनियर सिटील 3। देखिए सिटील 1 और 2 मैं पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6 में डाल चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखे तो वो ज़रूर देख लेना, ये उनसे आगे का ही पार्ट है। इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट रह गए थे जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। द स्टील रॉड ऑफ ए फुल लेंथ, जैसे ये देखिए मैंने यहाँ एक चित्र बनाया हुआ है, आपको शायद नज़र आ रहा होगा ये वाला, या आप ये एक सरिये समझ लीजिए, ये एक सरिया है। ठीक है, तो ये कितनी फुल लेंथ में आता है आपको पता होना चाहिए। इसकी फुल लेंथ जो होती है 12 मीटर। देखिए कितनी होती है, 12 मीटर, ऐसे समझ लीजिए आप 40 फुट। समझ गए दोस्तों, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। यूनिट वेट ऑफ ए स्टील 7850 kg³। देखिए इसका जो यूनिट वेट होता है, आपको फुल डिटेल मैं आगे स्पेशल वीडियो में बनाऊंगा, आप सिर्फ बेसिक जानकारी ये ध्यान रख लीजिए कि यूनिट वेट ऑफ ए स्टील, एक स्टील का यूनिट वेट जो होता है 7850 kg³ होता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 3। 1 मीटर वेट ऑफ ए एन स्टील, मतलब कोई भी सरिया है, 8 mm का है, 10 mm का है, 12 का है, तो आप उसका 1 मीटर का वेट कैसे जानोगे, इसका 1 मीटर का वेट कितना होता है। उसका एक मैंने फार्मूला लिखा ऊपर, देख आपको नज़र आ रहा होगा, डाया इंटू डाया अपॉन में 162। मान के चल लीजिए आपके पास 8 का डाया है, तो 8 × 8/162 जो निकल के आएगा मीटर वेट इसका, जैसे 8 × ये हो गया 64 भाग, जब आप इसको 162 से दोगे तो इसका 0.395, ये 1 मीटर का आता है। ठीक है, समझ गए दोस्तों। तो उसी प्रकार से आप इधर ले लीजिए, जैसे 10 mm का डाया इंटू डाया अपॉन 162। ठीक है, यहाँ कितना हो गया 100, यहाँ कितना हो गया भाग में 62। अब इसको हम भाग करेंगे तो कितना निकलता है इसका, 0.67। ये 1 मीटर का वेट है, मतलब जब भी आपको किसी सरिये का 8 से लेकर 32, 40, 45 तक जब भी किसी सरिये का 1 मीटर का वेट निकालना हो, सिंपल सा फार्मूला है, डाया इंटू डाया अपॉन में 162, तो उसका वो 1 मीटर का वेट निकल के सामने आ जाएगा। समझ गए दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। रिंग यूज्ड फॉर कॉलम एंड बीम नाउन एज स्ट्रिप्स, क्या कहता है। इसको हम रिंग भी बोल देते हैं, मैंने रिंग का ही लिखा है। देखिए जो रिंग होता है, मतलब रिंग, जैसे ये अपना मिटा देता हूँ, एक बार देख लीजिए गौर से, कोई बीम है, कॉलम है, हम उसको जब चारों तरफ से बांधते हैं तो किससे बांधते हैं, एक रिंग टाइप से बांधते हैं, मतलब चारों तरफ से एक रिंग बना दिया जाता है, ऐसे करके ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, ये हुक्स निकले हुए होते हैं इसके इधर, मैंने आपको ये पहले भी बताया था, ये हुक्स हमारे 10D के होते हैं। जो ये रिंग होता है, ये कोई भी हमारे पास कोई कॉलम है, ये आप एक कॉलम मान लीजिए, इसमें हम ऐसे एक रिंग बांध देंगे, ये आपको सामने से नज़र आएगा। अगर आप प्लान में ऊपर से देखना चाहोगे तो देखिए, ये हम ऊपर से, ये अपना एक कॉलम है, ठीक है, तो ऊपर से आपको कुछ ऐसे नज़र आएगा, हल्का हल्का से निकला हुआ चारों तरफ से रिंग, इसमें दोनों तरफ ऐसे बंधते हैं, तो ये आपको सेक्स, मतलब प्लान में नज़र आएगा, सेक्शन में आपको सिर्फ इतना ही दिखाई देगा। ठीक है, जो इसके चारों तरफ की जो रिंग होती है वो क्या बोलते हैं उन्हें, स्ट्रिप्स, मतलब बीम हो या कॉलम, जो उसके चारों तरफ का रिंग होता है, जो लोहे का जो हम बनाते हैं 8 mm का, तो स्ट्रिप्स, स्ट्रिप के नाम से जाना जाता है, वो उसको स्ट्रिप्स कह देते हैं। दूसरा नाम उसका रिंग है,
लोकल लैंग्वेज में कह देते हैं रिंग, तो इस बीम के आपको 100 रिंग बनाने हैं। उसका जो असली नाम है, टेक्निकल नाम, वो स्ट्रिप्स है, ये ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। टाई रॉड, ब्रैकेट में मैंने रॉड क्यों लगाया, टाई रॉड यूज्ड ओनली फॉर कॉलम। देखिए क्या होता है, जो टाई रॉड होती है हमारी, टाई रॉड एक सिंपल से तरीके से मतलब ओपन रिंग होती है, ओपन बोल सकते हैं हम इसको। ये जो है टाई अपना दो सरिये को कंट्रोल करने के लिए काम आती है, समझिएगा। इसका जो चित्र होता है टाई का वो ऐसे ऐसे, ठीक है, इसके अंदर ये दो सरिये होते हैं, इन्हें कंट्रोल करने के लिए काम करती है, ठीक है। ये इस तरीके से हो सकती है, ये टाई के अलग अलग प्रकार हैं, समझ गए दोस्तों। तो ये सरियां हैं, आप अपने सामने से देखोगे समझो। ये देखिए, ये कॉलम है, ये कॉलम है, यहाँ पे दो सरिये हैं, समझ गए। तो यहाँ पे हमें टाई लगानी है, टाई मतलब इन दोनों सरियों को कंट्रोल करने के लिए। जो ये कॉर्नर पर जैसे चार सरियां हैं, तो इनको कंट्रोल करने के लिए क्या लगा दिया हमने, ये तो रिंग आ गया, ठीक है, ये रिंग आ गया। अब रिंग तो सपोर्ट तो इसकी भी देता है, लेकिन इसकी कोई प्रॉपर सपोर्ट नहीं है, तो इसमें क्या करते हैं, ऐसे करके एक बीच में टाई डाल देते हैं, समझ गए दोस्तों। ये टाई का वही काम है, किसमें यूज करते हैं इसको, हम कॉलम में, बीम में यूज नहीं करते, ये कॉलम में होती है, जहाँ पे कॉलम में मोस्टली ज़्यादातर सरे हैं। तो बताइएगा दोस्तों वीडियो कैसी लगी, लाइक कॉमेंट शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, और हाँ मेरे RRR सिविल इंजीनियर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, तब भी मैं कोई वीडियो डालूँ आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।